नॉर्मल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एकेडमी। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए था, मैथमेटिक्स था, और आज न्यू टॉपिक चालू होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म देखे थे, और आज हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं टेंजेंट और नॉर्मल। तो बहुत अच्छे तरीका से इसको हम लोग देखेंगे, कोशिश करते हैं कि लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक, और अच्छे से इजी वे में उसको सॉल्व करें। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और हम लोग चलते हैं टेंजेंट और नॉर्मल की ओर। ये करके आए हैं और जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये जो टेंजेंट नॉर्मल हम लोग बात करेंगे, और 11th क्लास में थोड़ा सा टेंजेंट का था, इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह पढ़ना था, स्लोप वगैरह था, और 12th क्लास में भी टेंजेंट और नॉर्मल है ये, और उसके बाद ये बीएससी में भी है। और इसमें देखिएगा जो टीजीटी और पीजीटी होता है उसके पेपर में भी एक दो प्रश्न पूछता है टेंजेंट नॉर्मल से। ये टेंजेंट नॉर्मल हम लोग दो तीन तरीका से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर पीजीटी पीजीटी जो एग्जाम में पूछेगा तो उस वाले को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व भी नहीं करेंगे, चेक करके भी बता सकते हैं कि टेंजेंट नॉर्मल का ये आंसर होगा, और उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें और हम लोग चालू करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल। तो पहले सबसे हम लोग बात करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या चीज है, ठीक है। जैसे थोड़े देर के लिए छोटा सा एक हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ए एक्स, ए एक्स डैश है, और ये वाई डैश, और ये क्या होगा वाई, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो जीरो, मतलब मूल बिंदु होता है जिसको ओ से लिखेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी एक कर्व है, ए वाई बराबर क्या है एफ एक्स है, वाई बराबर क्या है एफ एक्स है, और यह कर्व का इस तरह से ग्राफ है। जब इसके स्पर्श पे एक रेखा रहेगा, और उस रेखा को ही क्या नाम दिया जाता है, चलिए ये मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है, इस एंगल पे हम लोग कुछ ले सकते हैं, उसका नाम मान लेते हैं क्या लेंगे, थीटा लेंगे, क्या लेंगे थीटा। और एक जिसे हो गया, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। जिस पॉइंट पे टच किया है इसका नाम क्या है, एक्स कमा वाई, जिस पॉइंट पे टच किया है उसका नाम क्या रहेगा, सी एक्स कमा वाई। वहां से एक हम लोग लाइन को परपेंडिकुलर करेंगे, यदि इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर, तो ए क्या बन जाता है नॉर्मल बनेगा, ए क्या बनेगा नॉर्मल बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान से देखिएगा कि कोई भी अगर पॉइंट है और वो कर्व पर है, और कर्व से एक टेंजेंट पास करेगा, एक लाइन पास करेगा, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और जिस टेंजेंट है और उस टेंजेंट के पॉइंट जो रहेगा उसके हम सीधा एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो क्या बन जाता है नॉर्मल। जैसे नॉर्मल क्या होता है कि द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एक्स कमा वाई। जैसे नॉर्मल को हम लोग डिफिनेशन क्या बोलेंगे, अगर डिफिनेशन बोलना है नॉर्मल का, तो द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी एक्स कमा वाई इज दैट स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स कमा वाई। ये चले थे, जैसे कोई भी अगर इसमें हम लोग नोट ही कर करके लिखेंगे, ठीक है, चलिए। और ये टेंजेंट होता क्या है कि कोई भी एक कर्व है, उस कर्व पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन क्या करेगा पास करेगा, टच करते हुए पास करेगा, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे। नोट चलेंगे, जैसे वाई बराबर एफ एक्स है, एक फंक्शन है, तो पहला अगर कोई पूछेगा कि जैसे y बराबर क्या है एफ एक्स ना, और a क्या है बी द फंक्शन, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, बी द फंक्शन क्या है x है। तो अगर कोई पूछेगा कि स्लोप ऑफ, बताइए स्लोप ऑफ लाइन या टेंजेंट बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ढाल होता है
इसको हम लोग एम से लिखेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग क्या से डिनोटेट करते हैं, एम से। और एम को कहने का मतलब डीवाई बाई डी एक्स और इक्वल टू हम लोग एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन है, कोई फंक्शन है, यदि उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डीवाई बाई डी एक्स बनेगा। डीवाई बाई डी एक्स को ही क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। यदि कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, जो भी एक नंबर में मिलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा कोई ना कोई एक नंबर मिलेगा, ठीक है, या तो बाटा मिलेगा, या तो माइनस मिलेगा, या तो वन टू थ्री, कोई भी एक नंबर मिलेगा, फंक्शन में मिलता नहीं है। दूसरी बात है, यदि आपसे कोई पूछेगा कि स्लोप ऑफ क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखिए जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है क्या है कि इसमें होता है स्लोप द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई इज दैट स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स कमा वाई। यानी कि सीधी बात है कि ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब अगर इस टेंजेंट का स्लोप हम लोग मान लेते हैं कि एम वन है, इस क्या है एम वन है, और इसका मान लेते हैं क्या है एम टू है, तो दोनों आपस में यदि परपेंडिकुलर होता है तो एम वन इंटू क्या हो जाएंगे एम टू। जैसे ये नॉर्मल का स्लोप आपका क्या है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलता ही है कि जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का जो पॉइंट है वहां से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वह नॉर्मल बनता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, देखिएगा यहाँ से एम वन एम टू इक्वल टू क्या होता है माइनस वन। एम वन किसके लिए है स्लोप, टेंजेंट। एम टू किसका स्लोप है, नॉर्मल का। एम टू इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वन बाय एम वन। एम वन क्या है, टेंजेंट है, तो एम वन की जगह पर हम एम भी लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, वन बटा एम। मतलब ये होता है कि माइनस वन बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम ध्यान से देखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को क्या लिखेंगे, माइनस वन। स्लोप ऑफ टेंजेंट को एम बोलते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई एम। अच्छा, एम इक्वल टू हम रख सकते हैं क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बटा क्या होगा dy होगा, क्योंकि dx कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। बोले सर dx by dy by dx equal to f dash भी रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप उसको भी रख सकते हैं, ये क्या होगा माइनस वन बाई एफ डैश एक्स भी होगा। तो ये देखिए, अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट पता कर लेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पता हो जाएगा, माइनस वन बट्टा क्या करेंगे एम रख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े। अब देखिए नंबर क्या हो जा रहा है, थ्री मिल रहा है। आपके पास दो पॉइंट दिया है, ध्यान से देखेंगे जी, दो पॉइंट्स दिया है। एक पॉइंट मान लेते हैं कि x1 कमा y1 है, एंड क्या है कि b का पॉइंट जो है x2 कमा क्या है y2 है। बात समझ में आ रहा ना, x1 कमा y1 है और दूसरा क्या है x2 कमा y2 है, दो पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट के बीच क्या है, एक लाइन है, मतलब एक लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स होगा। तो ये बोलेगा स्लोप क्या होगा, क्या बोलेगा स्लोप क्या होगा। यदि हम स्लोप लिखेंगे, देखिएगा इसके बाद हम लोग यहां से बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट है, मान लेते हैं कि ए पर एक पॉइंट है, इसका एक्स वन वाई वन है, दूसरा पॉइंट क्या है बी, और ये नाम है एक्स टू और वाई टू है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक लाइन हो गया। यदि आपसे कोई पूछेगा कि स्लोप ऑफ लाइन बताइए, तो स्लोप ऑफ लाइन कहने का मतलब ए बी, ए होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अगर आप इसमें माइनस कॉमन कर देते हैं तो y1 माइनस y2 और x1 माइनस एक्स टू, इसमें भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई वन माइनस वाई टू बटा एक्स वन माइनस एक्स टू भी आप बोल सकते हैं। ये क्या निकल गया, स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम लोग क्या से लिखेंगे, एम से लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। चौथे की ओर चलेंगे, यदि दो लाइन है, इफ टू लाइन आर, चलिए दोनों लाइन जो है बाबू समांतर है, दो लाइन यदि समांतर है
तो उसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों लाइन का स्लोप जो होगा इक्वल होगा। मतलब दो लाइन है तो दो लाइन का स्लोप पहले लाइन का m1 और दूसरे लाइन का क्या हो जाना चाहिए m2। जहां भी दो लाइन समांतर कहेंगे तो हम m1 बराबर क्या लगा देंगे m2। लेकिन फाइव वाला में बोलेगा कि इफ टू लाइंस, ठीक है, लाइंस आर क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या होगा, एक दूसरे पर क्या है लंब है, ठीक है, और परपेंडिकुलर में तो 90 डिग्री ही कोण बनाता है। तो इस वाले को हम लिखेंगे m1 और m2 बराबर क्या होना चाहिए माइनस वन, क्या होना चाहिए माइनस वन, ये चीजें है। अब जो टेंजेंट है वह जो टेंजेंट है आपके एक्स एक्सिस के समांतर होना चाहिए और वाई एक्सिस के समांतर होगा, उस समय स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको कंटिन्यू देखिए। और यहाँ से एक दो प्रश्न पक्का है, पूछता ही पूछता है, आपका 10 नंबर पूछेगा बीएससी में और पीजीटी पीजीटी में यहाँ से एक दो प्रश्न रहता ही रहता है। जो कि 2017 में जो पेपर हुआ था, 2016 के वैकेंसी था झारखंड के, उसमें एक प्रश्न लालजी प्रसाद के बुक से सेम टू सेम ही दिया है, जो कि बहुत बड़ा लॉन्ग बनता है, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करके बनाएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, तो पांच नोट हो गया। नंबर सिक्स के पास चलते हैं कि जो टेंजेंट है या जो टेंजेंट होगा अगर वाई एक्स के समांतर होगा या तो एक्स एक्स के समांतर होगा, ठीक है, वाई एक्स के समांतर होने के बाद क्या होगा और एक्स एक्सिस के समांतर होने के बाद क्या होगा। तो यदि वाई एक्स के समांतर, देखिए ये जो टेंजेंट है वाई एक्स के समांतर कौन हो रहा है आपका नॉर्मल हो रहा है, तो नॉर्मल अब करेंगे और एक बार टेंजेंट करेंगे, तो बात समझ में आना चाहिए बिल्कुल आसान तरीका से। हम लोग देख रहे हैं नोट्स तो देखेंगे, नंबर सिक्स नोट हम लोग देखेंगे। देखिए जी बच्चे, इफ टेंजेंट स्लोप, चलो इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि ठीक है, यदि स्पर्श रेखा की जो ढाल है एक्स अक्ष के समांतर होगा, किसके समांतर होगा एक्स अक्ष के समांतर होगा, तो आप बोलिएगा सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग जीरो। नंबर सात है, यदि आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज किसके होना चाहिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, किसके होना चाहिए बच्चे वाई एक्सिस, देन डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है डी वाई बाई डी एक्स लिखे है माइनस लगाकर उसके जीरो हो जाते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल का, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो आप इसको दो नोट कर लीजिएगा, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। आठवां नोट के पास, यदि आपके पास एंगल दिया हुआ है, ठीक है, कोई एंगल दिया है, मान लेते कि एंगल, एंगल मतलब मान लेते कि थीटा, ठीक है, एंगल क्या है थीटा, ये हमेशा क्या रहेगा गिवेन, ऐसे इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हमने बात किया कि यदि एंगल दिया है तो उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कब देखेंगे मोहन, जब एंगल दिया रहेगा तो हम इसको लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एम, एम इक्वल टू लिखेंगे टेन थीटा, क्या लिखेंगे टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। बात समझ में आ रहा है ना, क्या क्या बात कर रहे बच्चे, इस पे तो ध्यान दो ना।
आगे हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे, लेकिन अभी देखें कि एम इक्वल टू क्या बोलते हैं, एम इक्वल टू डी वाई बाई, तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? टेन थीटा भी बोल सकते हैं। कोई परेशानियां कोई दिक्कत नहीं है। अब नवे पॉइंट के पास चलेंगे, दो समीकरण होगा, एक टेंजेंट का और एक नॉर्मल का, एक होगा टेंजेंट का और एक होगा नॉर्मल का। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग देखेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का क्या कंडीशन होता है। तो पहले वाला में हम लोग इक्वेशन ऑफ ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए इक्वेशन ऑफ दी ऑफ या लिखेंगे टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन इच, मतलब होगा स्पर्श रेखा का समीकरण एक्स वन कमा वाई वन, ठीक है, एक्स वन कमा वाई वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखिएगा y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। बात समझ में आ रहा है ना? इस वाले से हम लोग समीकरण निकाल देंगे। नंबर 10 है, यदि नॉर्मल का पूछता है तो इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्मल, क्या लिखेंगे बच्चे, नॉर्मल, एट पॉइंट कौन सा चलेगा, एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन इच y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल का स्लोप रखा जाए ना, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, माइनस वन बाई एम होगा। इस वाले को और एक लिखने का तरीका है बच्चे, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिएगा, गुना करेंगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक्स वन बटा क्या होगा, एम इक्वल टू जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। अच्छा, इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक्स वन। क्या समझ में आ रहा है मोहन? इस वाले को इधर लेंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा, बताइए, प्लस हो जाएगा ना, साइड चेंज हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो इस वाले को हम बोल सकते हैं कि ऐसा काम किया जाए, y माइनस वाई वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन में स्लोप से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्लोप हम लोग निकालेंगे m निकालेंगे उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बात समझ में आया? आप 10 नोट याद कीजिए, नॉर्मल जो भी है और टेंजेंट से आपका जो रिलेटेड प्रश्न पूछेगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग एक दो प्रश्न एग्जांपल में लेते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए। या एक एग्जांपल हम लोग लिए थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए बी टू द कर्व एक्स बाई ए के पावर ए प्लस वाई बाई बी के पावर एन इक्वल टू टू, हेंस शो दैट एफ नॉट बराबर टू टच दिस स्ट्रेट लाइन एट द पॉइंट ए कॉमा बी। इसमें दो प्रश्न है कि हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें देखते हैं कि क्या करना है। ये जो है देखिएगा, एक कर्व है और इस कर्व में क्या करता है कि x बाई ए के पावर एन वो इतना है जो टच द स्ट्रेट लाइन एट द पॉइंट ए कॉमा बी। तो हम लोग पहले सोल्व करेंगे और यही आया था आपका 2000, ये जो झारखंड हुआ था, ये देखिएगा झारखंड, यहां से लिख देते हैं, ठीक है, झारखंड टीजीटी 2000 जो 16 में हुआ था, पेपर 17 में हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था झारखंड का, झारखंड टीजीटी 2016। ये बहुत अभी तो हम सॉल्व डिटेल्स करेंगे, लॉन्ग करेंगे, लेकिन उस समय क्या करते हैं कि 2 सेकंड में आंसर पता कर देंगे कि आंसर होता क्या, ठीक है। बोला था कि मतलब ये अलग टाइप से ही दिया था कि ये है और इसका समीकरण एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू टू है, तो ये बताइए कि किस पॉइंट पर है, तो ए कॉमा बी आंसर था उसमें। अभी ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा, गिवन दैट
एक्स बाई ए पावर ए प्लस वाई बाई बी पावर एन इक्वल टू टू, नंबर क्या है वन है। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होती है उसको ध्यान से देखेंगे, ये होगा इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स कमा वाई वन। ईच क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होता है। जो पॉइंट हमें a और b दिया है तो ये एक्स वन काम करेगा और ये क्या काम करेगा, वाई वन। दूसरी बात है कि यहाँ पे पॉइंट जो दिया है, ये पॉइंट है एक्स कमा बी, दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे एक्स वन कमा वाई वन। एक्स वन का वैल्यू a है, वाई वन का वैल्यू क्या है बी है। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, हाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर, तीन भी दिया जाता है इसमें, ट्रिपल भी दिया जाता है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए पावर क्या है, एन है, तो इसको हम लोग एन आगे एक्स बाई टी एन माइनस वन रखेंगे, कोई दिक्कत है, एन माइनस वन रखेंगे फिर प्लस हो जाएगा। इस वाले को देखेंगे, चलिए इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन, तो वन बटा ए बीच में प्लस, इसका एन वाई बाई ए सॉरी वाई बाई बी, समझ में आ रहा है ना, पावर एन माइनस वन, और वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो वन बट्टा बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। कोई परेशानी है, दोनों के बारे में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, हाँ एक्स और वाई दोनों, देखिए दो फंक्शन है ना, दोनों का प्लस है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो पहले पावर का करेंगे तो एन आगे आएगा, एन तो आगे ही ना मिलेगा, तो एन में से एक कम कर देंगे, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करना होगा ना, तो एक्स का वन होगा तो बटा में क्या मिलेगा ए, समझ में आ गया, तो हो गया मगर वो वाई को पहले समझिए ना इसको, कि पावर एन आगे आएगा, एन में से एक कम किया जाता है, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का वन होगा बटा में ये होगा, बीच में क्या है प्लस है, फिर ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन आगे वाई बाई बी एन में से एक कम करेंगे, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन तो वन बाई बी तो रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स, बात समझे, एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के सापेक्ष में तब तो वन दिया, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में डी वाई बाई डी एक्स, यह एन और एन क्या हो जाएंगे कॉमन करेंगे, तो भाई यहां से बताएंगे कि एन अगर हम कॉमन करेंगे तो एक्स बाई ए पावर एन माइनस वन बटा ए प्लस एन, एन को बाहर निकाल देना है, एन माइनस वन और ए क्या हो जाएगा बी और डी वाई बाई डी एक्स, कोई परेशानी किसी को दिक्कत, ये कहां चला जाएगा जीरो में, तो ये क्या मिलेगा एक्स बटा ए एन माइनस वन इंटू ए बाई ए प्लस वन बाई बी वाई बट्टा बी एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, कोई परेशानी है नहीं ना, क्या थी हमें समझ में आ रहा। अब देखिए पॉइंट है ए कामा बी है, ये क्या काम करेगा एक्स का भी काम करेगा और वाई का, एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, आप इसमें पुट कीजिए तो आप पुट करना चाह रहे हैं तो क्या ए बटा ए पावर एन माइनस वन वन बाई बी प्लस वन बट्टा बी वन बाई बी, ठीक है, और बी बाई क्या होगा बी बाई बी एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए से ए कट गया तो क्या मिला वन बटा ए पावर वन एन माइनस वन प्लस वन बाई बी पावर वन माइनस ए, ठीक है, और ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए वन के पावर कुछ भी हो जाए जीरो भी रहेगा तो वन ही मिलेगा और एन रहेगा तो भी वन ही मिलेगा, जैसे बोले सर एन का वैल्यू हम छह रखते हैं तो भाई छह में से वन घटाएगा तो पांच ही ना होगा तो फिर भी वन मिलेगा, एन का वैल्यू अगर हम सात रखते हैं
तो 1 के पावर क्या होगा 6 हो जाएगा, फिर भी 1 मिलेगा। तो ये जो हमें मिला, ये मिला 1 बटा a प्लस b बटा, और ये dy by क्या होगा dx इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इसको इधर ले चलेंगे तो माइनस होगा कि प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए भाई माइनस हो जाएगा, माइनस b बटा सॉरी a बटा ये b नीचे है तो कहां चलेगा ऊपर में, dy by dx इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस b बटा a। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको क्या बोलते हैं a, b बटा क्या होगा a। अब यहां से देखिए इसके बाद a लिखेंगे, शुरुआत a लिखना है तब a लिखेंगे, उसके लास्ट में a लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बताइए y होगा, y1 का वैल्यू क्या रखेंगे a, m का वैल्यू क्या रखेंगे माइनस b बाई a होगा, माइनस क्या रखेंगे b बाई a। आगे बढ़े, चलिए इसमें अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो x e हो जाएगा, कोई दिक्कत है सॉरी यहाँ पे b होगा जी, y1 का वैल्यू b है, आप इसको क्या कीजिए a से गुणा करेंगे तो ay माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी होगा, माइनस माइनस प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए वाई एक्स वाला और वाई वाले को एक तरफ रखेंगे तो इधर आने के बाद प्लस इक्वल टू ए बी प्लस ए बी, बात समझ में आ रहा है ना, ए वाई माइनस है तो इधर लाएंगे प्लस इक्वल टू में ए बी और ये इधर गया तो प्लस ए बी प्लस ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा क्या आएगा प्लस 2ab ना। तो इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं bx प्लस ay इक्वल टू 2ab। अब हम लोग क्या करते हैं डिवाइडिंग कर देते हैं, डिवाइड इन ठीक है बाय ab, ab से हम भाग दे देंगे तो b बाय x ab प्लस ay बाय ab ठीक है बराबर 2ab बटा क्या होगा ab, ए बी से ए बी कटेगा, ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, क्या मिल गया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू टू। परेशानी कोई दिक्कत कोई ये आंसर हो गया। फिर से आप समझिए लिखना पहले इसको है उसके बाद ये लिख लीजिएगा उसके बाद ये लिख लीजिएगा है ना, जो कर दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक घटा देंगे अंदर का डिफ्रेंशिएशन वन बाई ए हो जाएगा, इसमें भी पावर आगे एक घटाएंगे वाई बाई बी वाई देखिए वन बट्टा बी बार तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एन को हम कॉमन करके जीरो में बैठा दिए और ए जो बच गया उसको लिख दिए, एक्स का वैल्यू ए रखेंगे वाई का वैल्यू बी रखेंगे पुट करके ए बटा ए कट गया बी बटा बी कट गया तो वन के पावर एन माइनस वन वन के चाहे तो इसको कॉमन भी करके जीरो में बैठा देंगे, दोनों में से कॉमन हो रहा था जीरो में चला जाएगा और नहीं तो वन के पावर कुछ भी है तो उसका वैल्यू वन होता है, वन बाई ए को हम उधर ले चलेंगे माइनस और बी बटा में है तो ऊपर जाएगा माइनस बी बटा ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एम। अब बात है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स कम एक्स वन कमा वाई वन ईच क्या होता है बच्चे देखिए तो यहां से हम लोग देखेंगे वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन और एक्स वन का वैल्यू ए और बी रख देना है, ए और बी रख देना और एम का वैल्यू इसको रख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको माइनस वाला एक्स वाले को इधर और बिना एक्स वाले को उधर ले गए, ए बी प्लस ए बी जोड़ देंगे और टू ए बी से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो कट गया वो बच गया वो क्या मिल गया आपका आंसर मिल गया। तो यही चीजें आपका क्या था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको आगे तरीका देखिए कि क्या हमें करना है ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। चलो चालू कर दीजिए, इसमें है तो प्रूव दैट x by a plus y by b equal to 1 टच द कर्व y बराबर b e के पावर माइनस से x by b, आप पहले इसको गिवन दैट लिखिएगा, क्या लिखेंगे बच्चे y बराबर b e के पावर माइनस x by a। ये जो है देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है आपका किस पर है किसको क्रॉस करेगा y एक्सिस, किसको क्रॉस कर रहा है
y एक्सिस, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द कर्व कट द y एक्सिस, ठीक है। तो यहां से सीन्स लिखेंगे द पॉइंट्स ना, ये जो पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, बताएंगे जी ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, इस पर कट कर रहा है वेयर द कर्व, ठीक है, कर्व कट कट द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर इज क्या होगा, इज जीरो, मतलब डेट इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो जो पॉइंट होगा मेरा वो क्या होगा, जीरो कमा वाई होगा, जीरो का मतलब क्या होगा, वाई होगा। अब इसमें देखिए नंबर क्या है, वन है, आप फ्रॉम इक्वेशन क्या चलेगा, वन से चलेंगे, क्या चलेंगे, वन से। तो वन में क्या है बचा, वाई इक्वल टू बी ई के पावर एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो बटाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे क्रॉस किया है वाई एक्सिस पर, एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो, आप एक्स के जगह पर जीरो रखिए, ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, बी ई के पावर जीरो दैट इज इक्वल टू बी होगा इनटू वन, और वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी। पॉइंट आपको क्या मिल गया, जो पॉइंट मिला जीरो कमा बी मिला, जीरो कमा क्या मिला, बी। अब हम स्लोप निकालेंगे तो वाई बराबर बी ई के पावर माइनस क्या है, एक्स बाई ए है। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बी को बाहर, एक बार तो यही होता है एन टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब यहां से बताइए एट पॉइंट कौन सा रखेंगे, जीरो कामा बी, तो एक्स के जगह पर आप जीरो रखिएगा तो क्या मिलेगा जी, डी वाई बाई डी एक्स जीरो कामा बी इक्वल टू बी ई के पावर जीरो बटाइए इंटू माइनस ए बाई सॉरी माइनस वन बाई ए, ए वैल्यू कितना देगा वन, तो माइनस बी बटा क्या आएगा, माइनस बी बटा बी। जो स्लोप आपका निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, माइनस बी बटा। अब यहां से देखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ द बताइए जी टेंजेंट, ठीक है, क्या होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स वन, आप बताइए स्लोप कितना निकाले हैं, वाई वन, वाई वन का वैल्यू क्या इतना रखेंगे, बी रखेंगे, माइनस बी बटा ए एक्स माइनस जीरो, कोई दिक्कत है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ए वाई माइनस ए बी बराबर माइनस बी एक्स, तो जीरो होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए एक्स और वाई दो वेरिएबल उसको एक साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस ए एक्स इक्वल टू ए बी, इसको इधर लाएंगे तो प्लस होगा, इसको इधर लाएंगे तो बी, यहाँ पे बी एक्स होगा, चलिए ए होगा बी एक्स है तो बी एक्स से लिखेंगे, इधर लाएंगे तो प्लस, इधर लाएंगे तो ए बी प्लस। अब हम लोग क्या इसमें डिवाइड कर सकते हैं बताइए, डिवाइड बाई ए बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर एच एस में वन दिख रहा है तो ए बी से डिवाइड करेंगे, ए बटा देखिए ए वाई बटा ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी इक्वल टू ए बी बटा ए बी, ए कटेगा चलिए ए बी कट जाएगा ना, तो वाई में क्या मिला बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल टू वन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, डेट इज इक्वल टू क्या होंगे ये बच्चे, बात समझ में आया कैसे, पहले ध्यान से देखिएगा ये प्रूव डेट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर क्या है वन टचेज द कर्व वाई बराबर इतना एंड, मतलब ये जो कर्व है एक जो भी कर्व होगा चलो एक टच करता है तो उसको क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, जो टच करता है उसको क्या बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे, तो टेंजेंट का ही समीकरण वो है। अब टेंजेंट का समीकरण हम y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या होता है एम एक्स माइनस एक्स वन होता है, y1 x1 हमें पॉइंट पता करना होगा m पता करना होगा, m कहने का मतलब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो m पता हो जाएगा। पॉइंट देखिए ये जो
कर्व है कहां पे कट कर रहा है, वाई पर, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है जीरो, तो पॉइंट क्या होगा जीरो और ए वाई। अब फ्रॉम इक्वेशन वन से चलेंगे, जहां पे एक्स है वहां पे क्या रख देंगे जीरो रख देंगे, क्या रखेंगे जीरो, तो इसका वैल्यू वन देगा तो वाई का वैल्यू क्या आएगा बी, और यहाँ पे रख देंगे तो पॉइंट मिल गया, कोई दिक्कत। डीवाई बाई डी एक्स मतलब एक बार बी रहेगा, एक बार इतने ही रहेगा, एक्स का माइनस क्या होगा वन और बताइए होगा तो माइनस में है, माइनस में रखेंगे। अब देखिए एट जीरो का बार बी, जहाँ पे एक्स दिखेगा वहां पे जीरो रखेंगे, जहाँ पे वाई दिखेगा वहां पे बी रखेंगे, लेकिन वाई तो मैंने नहीं रख दिया, इसका वैल्यू वन माइनस बी बाई ए आ जाएगा, स्लोप आ गया। अब नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होगा, वाई वन का वैल्यू हम बी रखेंगे, एम का वैल्यू माइनस बी बटा ए रखें, एक्स वन का वैल्यू जीरो जीरो रखें, इसको घटाएंगे तो एक्स होगा तो माइनस बी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर लाएंगे तो प्लस होगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, और ए बी से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो कट गया जो बच गया उसको लिखेंगे प्रूव हो जाएगा। यह एग्जाम्पल था, तो हम लोग दो एग्जाम्पल लिए और कुछ नोट्स देखे, तो ये क्लास जो था टेंजेंट और नॉर्मल का इंट्रोडक्शन क्लास था, कल से हम लोग क्या देखेंगे एक्सरसाइज देखेंगे, दो तीन क्लास में इसको हम कंप्लीट करवा देंगे, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि ये दो तीन क्लास में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, और इसको आप लोग नोट कीजिए और मिलेंगे हम लोग, आप इसको नोट कीजिए, है ना, और मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज लेकर के। और यह जो लालजी प्रसाद का ही बुक है, देखिए लालजी प्रसाद का बुक है, न्यू वाला बुक है, और पुराने वाले बुक में एक्सरसाइज क्या लिखता है उसमें 13 ये लिखेगा और इसमें 5 है ये साइड लिखेगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले दिन न्यू टॉपिक लेकर के।